जवाबी अवसर लाया।
सिखा तेरा फर्ज गुरु दे हो जाता है, पातशाह के चरणा में जुड़ जाता है, अगलिया जिम्मेवारियां सतगुरु दियां आ गईं। एक छोटी जी उदाहरण का असि जिथे बैठे हाँ, हर बंदा अपनी जिंदगी रोजाना दो तरह का सफर करता है। एक सफर घरों चल के गड्डी तक आना, घरों चल के बस टर्मीनल तक जाना, रेलवे स्टेशन तक जाना या एयरपोर्ट तक जाना, यह पहला सफर है। दूसरा सफर है पैसे खर्चे, बस च बैठ गए, किसी भी साधन च बह गए, हुण जिम्मेवारी साधन की और साधन चलाने वाले की है, मंजिल ते लैके जाना। धरती दुनिया भी ऐसी है, असीं भी दो तरह का सफर करते हैं। पहला सफर अपनी जिंदगी तो चल के गुरु के चरणा तक आना, अगली जिम्मेवारी सच्चे पातशाह के घर की है। जो सिख यह कहता है हजूर कहते ने आदम चली का तुल पैगा, जब हम शरण प्रभु की आई, रात प्रभु पावे साढ़े हिरदे की वेदन बन जाए, हिरदे की अरदास बन जाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ मिल अमर बन। उस महान दादे बन जिदी साजी हुई ये नहीं है, जिदे साजे हुए असी हाँ, उस मालक के चरणों वाल जो ध्यान मार रहे हैं। अभी लाहौर की धरती चूना मंडी का इलाका डब्बी बाजार बनया हुआ छोटा जिहा घर, छोटी उम्र मां का साया उठ जाना, बाप का साया उठ जाना, इतिहास इस गल को बार बार कहता है। किसे चाचे ताए ने, किसे शनिगे भाई जाने वाले ने हजूर की बाह नहीं पकड़ी, ना कि बाह पकड़िया, आसरा दिता ते बस गए की धरती दे रहा है। नागर बस बस के परिवार और इतने एक घटना जिन्हों हर इतिहासकार देखता है। एक दिन हजूर घुंगड़िया बेचद्या हो थोड़िया जिया घुंगड़िया बढ़िया, महाराज गली चो होता दिद्या लंघे, पर कोई घटना ऐसी वापरी उहदे नाल खिरदिया दे विच पीर पैदा हो, नानी कोल गए अखा भरदिया नानी को एक बोल आखिया, नानी तुसी मैनू बड़ा प्यार करते हो पर एक मेरा सवाल है, सवाल यह है कि मैं तुहाडा दुध आया बच्चा आया, पर मैनू यह दसो कि मैं किन्ना कु माड़ा है। नानी बोल घबराए, नहीं बच्चिया कौन अंदर मेरा जेठा माड़ा, नहीं नानी गली बाकी जवाब नहीं, मैनू सचो सच दस मैं किन्ना कु माड़ा। नानी ने फिर प्यार का दसिया क्यों इदा कहिंदा, कौन कहिंदा मेरा जेठा माड़ा है, नहीं नानी सचो सच दसना पड़ेगा। नानी पूछया पुत होया जी, कहने कि अज मैं जो गली चो लंघ के आ रहा सी ना रस्ते तो छोटे छोटे बच्चे खेलते सन, सोचिया ज्यादा ज्यादा घुंगड़िया इन्हों दे जावा जिड़िया बढ़ गई बिगड़ो रह गई। नानी अजे भी उन्होंने तो दूर ही सन, एक आवाज दिती और एक माता आई, बजुर्ग माता ने उन्होंने सारे बच्चों अंदर वार के दरवाजा बंद कर दिता। बच्चे आते ने असा घुंगड़िया लै गए, मैं बस आवाज दिना लै लो, पर अंदरों एक आवाज होर आती है उस बजुर्ग माता की, इस जेठे को घुंगड़िया नहीं लै लिया क्योंकि यह यतीम है, तो यतीम का परछावा बना हुआ है। महाराज वो पल अपने तन उत्ते हंडाए, तां महाराज कहते हैं कि गुरु को मिला दुनिया के विच सहारा कोई ना भी सुनिया, मन च विचारिया मन मैं तो बुजुर्ग हाँ कंधे ते रुकड़ा है, अच नहीं तो कल जिंदगी मिट जाएगी,
मेरा बच्चा कितने छोटा ना था, सतगुरु का दर लगया गोइंदवाल साहब की धरती से नानी मां अपने दोते गुरु अमरदास महाराज के चरणा च सिजदा किया दादा कृपा करो मेरे इस बच्चे का कोई नहीं है बस इतनी को कृपा करो ये सिर से मेहर तरिया ला कर कि बांह पकड़ दो तब गुरु अमरदास महाराज पहले दिन ही आसीस देके दिखते हैं तुम कहते हो यह कोई नहीं पर मैं ये जरूर पता है जिदा कोई ना होगा उदा यह जरूर होगा बोले सोने हार ये बड़ा सहारा कोई नहीं होना पर नानी मेरे बड़िया बोला का पता ना लगा समझ ना आई पातशाह के अर्धे बेच लंबा समा पावन का ध्यान देना जिन सेवा करना उदे विचों सब कुछ मिलता है बहुत कुछ नहीं सेवा विचों सब कुछ मिलता है एक बचन है महाराज गुरु अर्जन देव साहब जी का समझा करता जावा हजूर आते हैं पाचन क्रोध अग्रणी है निरासन आस पूर्ण है जिन संसारी तौर के पिछे रह गए कोई कम च पिछे रह गया कोई अनाथ करके पिछे रह गया कोई पैसे पिछे रह गया हर दूर कहते हैं अगे लग जाते पाचन क्रोध अग्रणी है निरासन आस पूर्ण है फिर कहते हैं निर्धन भयम कलवंत है रोगियों रोग खंडन है गरीब अमीर हो जाते हैं रोगियों के रोग मिट जाते हैं भगतियां भगत दान राम नाम गुण कीर्तन है जिन्हें भगती की दात मगद है उन्होंने अमृत वेला मिलता भगती की दात मिलती है मतलब सब कुछ मिलता कितों है तो हजूर कहते हैं पार ब्रह्म पुरख का दार है नानक गुर सेवा की ना लगे गुरु की सेवा विचों की मिलेगा मालक ने धरती भार अज उस नाते लै गई जिस वेले तख गुरु अमरदास महाराज जी ने मेहरबान मनसा देवी ये गल पढ़ते सुनते असं बड़ी बारी जो बीबी भागी के रिश्ते की गल चली महाराज ने इशारा किया और सामने जेठा आता है ये वर्ग ही पुत्र हो महा मनसा देवी जिंदे दादा जी मोह तुसा ने जिथे ला दी उ होना पर मैं मां मां रूप चेरे सवाल है अर्ज रिश्ते तई दे अधीना दे पर मैं एक गल का जवाब दो ये कोल घर कोई नहीं बच्ची लड़ ला दोगे बच्ची को कितने रखे महाराज ये खुद नगर चो प्रशादा छा बच्ची को कितों गवा जदों का है मैं तन के वस्त्र वेचनी दो जुड़े है ये तनाह लेता है पा देता है पाशा होर ते होर सब कुछ मैं गल मान लेनी है पर महाराज जी की बराते कौन है ना मां ना बाप ना कोई चाचा ताया ना कोई भैन भरा किनू सदेगा बराते कि बरात नाल लैके आएगा तां गुरु अमरदास सारी गल सुन के एक बचन देते हैं ध्यान देना प्यार वाले गुरु जिस मानस के दर बैठे हैं सिर्फ गल इतनी है साडा भरोसा बच जाए बस दोवें गल महाराज करियां मानस पहला यह किया कि अपनी प्रतीत आप ही हो बहुत उसका विश्वास ना होता है खुद का भरोसा खुद ही गुआ पर दूजे पासे गया जाकर इधर विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान दिस मन प्रगटा अरदास विच जो सत दान मंगते हैं विसाह दान ते भरोसा दान सिद्ध हो जाता मां मनसा देवी सवाल है सुनियो गुरु
पर सच ये है जो गुरु नानक साहब ज्ञान हुए दुनिया में सब तो सोना पाएगा होएगा जिथे दुनिया रहनी दसया करे तुसी कहते हो ये कोई थाली प्रसादा नहीं लगन जो शकदा है ठीक है आज शकदा है पर जदन बख्शिशां च होई पैनिया दुनिया च होर बेशक किते कोई भूखा सौंदा है पर इना दे दर ते आया कोई भूखा नहीं सौंदा तुसी आंदे हो इहदे कोल पाउण नहीं वस्त्र नहीं पर सच ए आ इहदे दर ते वस्त्र भेट करन वालिआं दीआं लाइनां लगिआ होइआ गल नहीं अर्थ नहीं बचन जिहड़ा मारा जा गिआ सतगुरु कहिंदे तुसी आखदे हो इस बराते कौन आएगा इहदे नहीं पता पर इन्ना जरूर आ इक दिन आउणा है जदों मेरे धीआं पुत्तरां दे तेरे बच्चिआं दे तेरी कौम दे लोकां दे आनंददार होइआ करांगे ना हो सकदा है गुरु नानक साहिब दे शब्द दी हाजरी लगे ते भावे ना हो सकदा है गुरु अंगद साहिब दा शब्द कोई पढ़े ना गुरु अमरदास दा कोई वचन पढ़े ते भावे ना पर सच ए आ हर सिख दे आनंद कारज दी जिहड़ी रहिण ते बख्शिश आ गुरु रामदास दी हाजरी तो बिना किसे सिख दा आनंद कारज संपूर्ण नहीं होंदा क्या लो सूही रात दीआं चार दावां पहलियां जांदियां ते सिख दा आनंद कारज होंदा नहीं ते नहीं हो सकदा इह उदों ही है जदों कोई गुरु दा मात दे दादे होए सतगुरु घरों पुत्री का जोड़ा बख्शिया इन बरताइया एक दिन वो आया जिस दिन घर सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने आवाज दी जो प्रीख्या गई खड़े बनाओ बाबा रामा जी ने चौथे दिन पासे हो गया तब गुरु रामदास सत दिन रहे और सतवें दिन खड़ा बना के भी हाथ जोड़ के आते हैं महाराज जिमें का तुम चाहते हो मेरे को नहीं होता मैं रोज भुला करता है मेनू रोज बख्श देते हो तां गुरु अमरदास मुगल गाड़ा ला के कहते हैं असल में यह खड़े नहीं है तेरे घर एक दो नहीं सत पुष्कर तक गुरु नानक की गद्दी की वड्डी जिम्मेवारी तेरे परिवार को है वो दिन आया जिस दिन महाराज बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या कि इन्हां नूं वस्त्र पहना के हाथी दस्तार सजा के लिया महाराज कुर्ता गद्दी ते बिठाया पांव नूं इक ऐलान किया अज तों तुहाडे चौथे गुरु सतगुरु गुरु रामदास इतिहास प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते हैं कीर्तनीय सिंह जब अमृत वेले आसा की वार आरंभ करते हैं पहला वचन पढ़िया जाता है हर अमृत पिने लोए वो कभी लिखती जमानत नहीं है सच यह है कि गुरु रामदास महाराज जी के नेत्र वैराग नाल बन चुका था इन्हें सेजन हुए सारा ज्यादा महाराज का पंचुआ नाल भर गया तब गुरु अमरदास महाराज कुछ देर रामदास जी अज इना बैराग क्यों एक पाल लगा सब कुछ अखा सारे हो गया तभी वो लाहौर दिया डरिया मां चली गई बाप चलिया गया किसी ना सामया लोग यतीम जतीम भी आ गया पर मालक मैं तेरे दर का देन किवें दिया ते रसला तो बजन हर गुरु का सिख पढ़ता है जो हरी बिंद होती मेरे सब गुरा साहब तुम हर जन पापे हम रोते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग तीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलिया चूके सब सोच संतापे मेरे सत गुरा मैं कुछ बिना अवर ना मेरा तेरे तो बिना
ना कोई सहारा सी ना है ते ना होगा। और सब तो बड़ी कमाल विद्वान पुरखा की चलो अपनी कुड़ाई है, वो कहते हैं दुनिया च इको ही स्थान है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिथे हर धर्म के हर वर्ग के लोग आए। तुम अक्सर वेखते हो हर धर्म का बंदा तुम इतने सिजदा करता मिलेगा, वो कहते बाकी स्थान पर नहीं गुरु रामदास के जाते क्यों। ये भगत साहबान कहते हैं ये बड़ी वड्डी जिम्मेवारी सी और गुरु नानक पातशाह के दरों तां गुरु रामदास की झोली च ये दात मिल गई सोडी श्रेष्ठ सकल दारण पाओ आप गुरु रामदास पाओ मेरी बड़ाई सारी सृष्टि तारण की जिम्मेवारी सतगुरु गुरु रामदास जी की झोली है। वो पातशाह जिन्हों बाबत भगत साहबान कहते हैं जे सिखा तेरे को होर बोझ नहीं ना होता रोजाना जदों भी तारण लगे बस इना कह दिया धर्म धर्म गुरु रामदास तेरा इन्ना कहना ही पार उतारा हो जाए। जे सतगुरु सिमरन नैन के तिमर मिटेंगे जे सतगुरु सिमरन हृदय नाम दिनों दिन जे सतगुरु सिमरन जी की तत्व मिटा है जे सतगुरु सिमरन रिद सिद्ध ना फिर पावे सोई रामदास गुर बात पान मेरे संगत तक तक सारी सकता को धन धन गुरु सोई रामदास गुर बात पान मेरे संगत धन धन करो जे सतगुर नागरिका पाई है सो सतगुर सिमरो करो उस दाते की प्रकाश पुरब की आम की खुशी में सारे शहर के समागम लिखे जाते हैं। बात मेहरबान हो भावना हृदय की अरदास मालक के चरणों तक ये बन जाए मालक के गुरु से इन्ना भरोसा बन जाए कि साहब का दाही साढ़े जीवन का मालक दारा है पातशाह मेहर कर विचार करते हैं व्यर्थ गुला होंगे बस देख शुकराना धनवाद सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समूह इतों के मैंबर साहबान मैनेजर साहबान अति सत्कारी वीर सतवंत सिंह जी खालसा बहुत प्यारे गुरमुख विद्वान है बड़ी सुंदर विचार करते हैं वो आप जी प्रोग्राम की सारी रूपरेखा दस रहे हैं। सबना का धनवाद आप संगत के चरण दर्शन का सुभाग।